बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुनाल। तो हम देख रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सीरीज़, और हमने एपिसोड 42 तक देख लिया। आज है बारी एपिसोड 43 तक देखने का, और सिर्फ 3 एपिसोड बचे हैं, 43, 44, 45। तो और फिर एपिसोड, और इसके बाद हम वो देखेंगे कि मुफ्ती साहब की भी एक 2.5 घंटे की वीडियो है, मेरे को लग रहा है 2 या 2.5 घंटे की वीडियो है, जिन्होंने उस वीडियो में उन्हें पूरा हज़रत यूसुफ़ के बारे में पूरा बताया गया है, तो वो भी देखेंगे। तो एपिसोड 43 हमने 42 तक देख लिया था, तो स्टार्ट करते हैं आज एपिसोड 43। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं, अब उनकी आओ बुका की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना दिया। जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर है बाबा। आपको उनसे क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा, बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे, फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे, और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहां पहुंचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ो से पेश आए। बिलखुसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी, और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर, कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र, ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैये में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं, या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहें भी तो क्या? ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादाजान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूँ।
तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून बेटा शमून, लिखो अस जानिबे बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुभान ने हमेशा हम खानदान नबूवत तो रिसालत पर भलाएं नासिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके इवेज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के वस्तु वो हमें गंदुम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदुम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत से खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा ने गहदार, खुदा ने गहदार, खुदा ने गहदार, खुदा ने गहदार। बाबा दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगेबान, खुदा निगेदार। خداوند ہو عزیز مصر یوزارسیف بزرگ پر، درود خداوند بر یوسف نبی، درود بر بیناروس خوب و مہربان۔ کہاں ہو بیناروس؟ عزیز مصر کی عنایت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں آیا ہوں تاکہ آپ کو جناب فرما روا کی یہاں تشریف آوری کی اطلاع دے سکوں۔ فرما روا جی یہاں؟ تعجب ہے۔ درود بر فرما روائے مقتدر مصر، درود بر نبی خدا، خوش آمدید۔ خوش آمدید بانو۔ کیا بات ہے، یوزارسیف حکیم نے تو ہمیں بالکل ہی بھلا دیا۔ یقیناً نئی مصروفیات جناب یوزارسیف کو مشغول کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جناب یوزارسیف کو ان کے بیوی بچے اپنے گرد اتنا مصروف رکھیں گے کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ لیکن فی الحال تو انہیں نئی فکرات نے گھیرا ہوا ہے جناب فرما روا، تو گویا ہمارا اندازہ صحیح ہے۔ نہیں بانو حضور، میرا مقصد وہ ہرگز نہیں۔ عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں۔ آپ کے بھائی؟ جی ہاں، لطف و عنایات پروردگار سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پھر تو آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے دو بار ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ لوگ اس وقت کنعان گئے ہوئے ہیں۔
आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाजत है जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस से सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरजमीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक को मुख्तार आप हैं और इजाजत हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क आसनात के साथ साथ इश्क जुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें बुला बैठे। फिलहाल तो वो राज और न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं, युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। जुलेखा को यहां बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खिता है बनाम कुर्शन, नजदीकी है मिनफीस के। नील के नजदीक का जरखेज खिता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ। बशर्त ये कि जनाब यूसार सिर्फ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमारवा की मोहब्बत है। आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यक्ता परस्त हुई है तो खुदा यक्ता की इबादत में रहती है। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीन कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाब फरमा, मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हासिल है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रसम बढ़ाई जा रही है लेकिन खास नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब दूर पकड़े। आप जनाबे युजारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाबे युजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाबे फरमारवा और बानो हुजूर की इजाजत हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें नहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। पांच अफराद हो
15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ ना हो वो सनदे गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या मोहब्बत के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सआदत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब युजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आजादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे ना रहें। जनाब युजारसीफ, अब मेरे पास गंदम के अवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदम इनायत फरमाएंगे? अरे जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के अवज इसे गंदम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाल ही कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो बीसियों गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके बीसियों गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबदे आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदम दे दें, किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जना, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदम वसूल कर लो। क्या गुलामी के बस? नहीं, आपको गंदम मुफ्त दी जा रही है, ये जनाबे युजारसीफ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आजादी से बेहतर नहीं है? सब वापसी जा रहे हैं, मिस जा रहे जा रहे हैं। चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम खजाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमायादार तबके और साहिबान दौलत और कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत और कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर आवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई खतरा नहीं है। अब आपका क्या फैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज अखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहूने मिन्नत है। आप अजीज मिस्र और साहिब इख्तियार हैं,
آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں، حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں۔ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ آج بانو زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے، کیا آپ بھی جناب یزار سیف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے، اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر محرم محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے۔ کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے، پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے، یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا۔ میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یزار صرف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوندی، اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں۔ تردد مت کیجیے بانو، جس عشق نے آپ کی معشوق حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے۔ عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں۔ آپ آزاد و مختار ہیں، میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں، امید ہے غور فرمائیں گی۔ بانو، آپ جناب آخناتون اور مالک کو کیا جواب دیں گی؟ یوسف پیامبر خدا ہے، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی محبت تو میرے دل میں ہو اور اس کے پیامبر کی محبت نہ ہو؟ نہیں تو ہم امید رکھیں کہ بانو زلیخا نے عقل مندی کا ثبوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔
بنام خدا شروع کرتا ہوں جو نجات دہندہ اور روزی رساں ہے مردم مصر کا۔ ایک دن پیشن گوئیوں کی کتاب جناب پوتیفار کو میں پڑھ کر سنا رہا تھا، اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا کہ جب مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے، غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے، عمرہ اپنے محلوں اور غلاموں سے محروم ہو جائیں گے، ثروت مند اور غریب افراد آپس میں جگہ تبدیل کر لیں گے، غلام اور ستم زدہ افراد آزاد ہو کر اپنے ہی ارباب اختیار کے مالک و مختار بن جائیں گے، اور اس وقت مصر میں خدا آمون کی پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ درود بر یوسف جی پیغمبر خدا، درود بر مددگار نجات دہندہ مصر، پوتیفار کی بڑی خواہش تھی کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن عمر نے ان سے وفا نہ کی۔ مگر آج آپ لوگ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ شاید مصر کے بہت سے بزرگوں کو یاد ہو کہ ایک دن اسی شہر تپس میں برتا فروشوں کے بازار میں ایک چھوٹے سے بچے کو بطور غلام خریدنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ آج وہی غلام بچہ مالک مختار ہے مردم مصر کا۔ ایک دن تھا کہ آپ سب یزار سیف کے مالک مختار بننے کے خواہش مند تھے، اور آج وہ آپ سب کے مالک مختار ہے۔ واقعی اس روز پوتیفار نے اس بچے کو خریدا تھا، اور آج اسی بچے نے ہم سب کو خرید لیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اسی روز اس بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس فوق الارادہ اور اس قادر مطلق کے ارادے کی۔ لیکن مجھے آج تک نہ یزار سیف دیگر صاحبان غلام جیسا لگا، اور نہ ہی مجھے کبھی احساس غلامی ہوا ہے۔ کون کہتا ہے یہ غلامی ہے؟ یہ غلامی تو ہمیں اس آزادی اور ارباب اختیار ہونے سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ آج آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو غلامی یزار سیف اور حکومت مصر سے آزاد کروں، کیونکہ جو کوئی بھی خدا بند یکتا کی بندگی قبول کر لیتا ہے اسے کسی حکومت کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ سند آزادی چاہے وہ اپنی ہو یا خاندان والوں کی حاصل کر لیں گے۔ آپ سب آزاد ہیں۔ الا بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے دوسروں کی آزادی سلب کر رکھی تھی، یا وہ صاحبان غلام اور سرمایہ داروں کے جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے بیٹھے ہیں۔ وہ تمام لوگ بدستور یوں ہی غلام رہیں گے۔ ہم ان کی گردنوں میں باقاعدہ توقع غلامی تو نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہوئے تو سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ میں نے مردم مصر کو نہیں خریدا مگر اس لیے کہ ان کے غلاموں اور ستم زدوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں، اور صاحبان غلام اور ستم گروں کو ہمیشہ کے لیے اسیر۔ یہ تھا مردم مصر کو غلامی میں لینے کا راز۔ انہوں نے اس حکمت عملی سے اچھے اور برو کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ اور جسے مصر کی بات ہے تو
बिल्कुल अंबिया जैसे मालूम ही नहीं हो रहे। वो मुझे मिल है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र गजाए किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आजाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक जमाना कहत खत्म हो हमें मयाना रवि और किफायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें गजाए किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था, आज के बाद से इस जगह पर खुदा बंदे यक्ता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्माए आमून और आसारे शिर्क से पाक होना चाहिए। यहाँ किसने मुझे मेरे नाम किनानी से पुकारा? यूसुफ, यूसुफ। जुलेखा, यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसलहत समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़े खुदा तो मेरे दिल में हो लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहां जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूं इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी? मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ ना लाएं तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया, क्या मैं से आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझू? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर ले। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो।
آپ سب شاہد ہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں۔ سپاس گزار ہیں آپ کے۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا۔ صحیح کہہ رہے ہو، آؤ اس طرف چلے۔ لاوی ہے کہاں؟ لاوی، 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 سلام بھائی، سلام لاوی، ٹھیک ہے، سلام بھائی، کیسے ہو لاوی؟ بالکل ٹھیک۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کئی خبریں ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تمہارے بیوی بچوں نے بھی سلام کہا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں۔ بنیامین کی کیا خبر ہے؟ بن یامین کے متعلق بھی بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس، بات ہے بہت ہے، ذرا فرصت سے بتاؤں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ خط بابا نے عزیز مصر کے لیے بھیجا اور اس میں تقاضا ہے کہ وہ بن یامین کو آزاد کر دے۔ پھر تو ہمیں عزیز مصر سے فوراً ملنا چاہیے۔ یہ خط ہمیں عزیز مصر کو پہنچانا ہے۔ ہمیں عزیز مصر کے پاس جانا ہوگا، چلو چلے۔ تم یہیں رکو، ہم ابھی واپس آئیں۔ مجھے بھی آ کر بتانا۔ کیسا غلام؟ بن یامین تو بڑی شہانہ زندگی گزار رہا ہے اور عزیز مصر اپنے کسی عزیز کی طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تم نے خود دیکھا ہے یا کسی نے بتایا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر جگہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی بگی میں بھی اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں۔ تو کیا عزیز مصر نے اسے اپنا خاص غلام بنا لیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بن یامین ایک شہانہ زندگی گزار رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ خاص غلام۔ یہ اپنے بھائی یوسف کی طرح بڑا خوش قسمت ہے۔ اس نے عزیزہ مصر کی توجہ اس طرح اپنی طرف متوجہ کر لی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتے۔ اس طرف سے ہم جناب یوسف عزیز سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لے کر آئے۔ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ مجھے اس کی اجازت نہیں، اس کے لیے مجھے جناب حرم حب سے اجازت لینی ہوگی۔ فی الحال آپ کو جناب عزیز مصر سے ملنے کی اجازت نہیں۔ جناب مشیر، جناب مالک، آپ سے ایک التجا ہے۔ آپ لوگ پھر آ گئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزیز مصر جناب یوزارسیف سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بابا کی طرف سے ان کے لیے خط لائے۔ میں تو سمجھا تھا کہ جو کچھ آپ کے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی ترس کا رخ نہیں کریں گے۔ بہرحال آئیے میرے ساتھ، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلو چلتے ہیں۔
पैर उठा लीजिए। ये क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाबे अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक के नान कहत से दो चार है जनाबे अली, हमारे पास ना तो दरबू दिनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों की हिम्मत दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले रेशम और धागा लाए हैं जो कि नहायत ही कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के अवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके, खुदाबंद जनाबे अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी, उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ, उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है, आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुतहमिल नहीं हो सकते। गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बाबा का हाथ। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अशकबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम एक खत अरसाल किया, अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून, جانب بندہ خدا یعقوب بنام عزیز مصر یزار سیف، خداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مصائب و علام سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا، اور ہمارے چچا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ انہیں آزمائے اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا۔ ایک دن اس کے بھائی اسے صحرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود پرتلا کر دے دیا۔ اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو یوسف کا ماں جایا بھائی تھا، جس سے یوسف کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے، بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بین آئی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ ایسی صورت میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہ و فریاد کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شولوں میں تمہاری سات پشتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی اور تمہارا ان شولوں سے بچنا محال ہوگا۔ بندہ خدا یعقوب،
उस यूसुफ के साथ क्या किया? जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंजित तकलीफ उठाई। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। वो सनद लाई थी। बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं बताया आपको, यकीन कीजिए। बहुत खूब। हम 10 किनानी भाई अपने गुलाम यूसुफ को मालिक इब्न ज़ार के हाथों बएवज 18 दिरहम फरोख्त करते हैं, इस शर्त के साथ कि उसे किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे कि जहां से वो कभी भी किनान का रुख न कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालिबन ये तहरीर शमून की है। शमून आप में से कौन है? मानेंगे नहीं मानेंगे। अरे यार गलत टाइम पे खत्म हो गया। मैं ये देख रहा था कि अब ये मानते हैं नहीं मानते इसके बाद भी, मतलब सबूत सामने आता है ना, बंदा रंगे हाथ पकड़ा जाता है, सबूत सामने आता है तो वो देख के ना बोचक्का हो जाता है, ये क्या हो गया सामने, अचानक ये कैसे हो गया, तो वो उसका सच सामने आता है। बट अगले पार्ट में पार्ट 44 में पता लगेगा कि वो अपनी गलती मानते हैं या अभी भी गेम खेलने की कोशिश करते हैं, बातें घुमाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था पार्ट 43 में। तो एक तरह से ये भी पता जाए कि हज़रत ज़िब्रील ने आके पिछले पार्ट में दिखाया था कि उन्होंने हज़रत याकूब को बताया कि भाई आप अपने दिल से अपने दोनों सितारों का, अपने दोनों बच्चों का वो जो प्यार भरा पड़ा वो निकालो, आपके और भी बच्चे हैं उन पर भी फोकस करो। तो एक तरह से उन्होंने हज़रत याकूब ने उनकी बलिदा वो उनको सेक्रीफाइस कर दिया एक तरह से अपने दिल से, और फिर उन्होंने लेटर लिख के भेजा इनके पास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, जो कि उनके ही बेटे हैं। बट उनको उन्होंने पढ़ा तो फिर उन्होंने फिर अब इनके आगे में सबसे ये बता देंगे आप हज़रत यूसुफ़ ही बता देंगे, पता नहीं या ये खुद वो कर लेंगे कि भाई हम गलती मान लेंगे खुद ही। तो अब दो पार्ट बचे हैं, देखते हैं अब हज़रत यूसुफ़ यहाँ आते हैं कैनान में या फिर ये सारे इन सबको ले जाकर मिस्र में, मिस्र के आसपास कोई एक जगह है जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ ने अफ़नातून को बोला था कि मिस्र के पास एक जगह ली हुई है वहाँ पर मैं इन सबको बसाऊँगा। तो अब वो ये देखना होगा कि वो यहाँ जाते हैं वो वहाँ या हज़रत यूसुफ़ वहाँ जाते हैं, तो ये देखना होगा। तो सिर्फ दो पार्ट बचा है, सिर्फ दो पार्ट हमने, मतलब पता नहीं लग रहा हमने 43 पार्ट कर लिए, कि घंटे के ऑलमोस्ट पार्ट थे और बहुत जल्दी स्मूथली गया, बड़े प्यार से गया और कहीं से ऐसा नहीं लगा कि कुछ नहीं है, बहुत प्यार से गया, हर चीज़ें समझ आ रही है और बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है। तो दो पार्ट बचे हैं वो भी हम जल्दी लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 44 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।